कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां कांग्रेस की आज भी सरकार है, वहां पर उन्होंने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। अगर आप इस बात से आश्वस्त हैं कि यह आपका डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप इन्वेस्टिगेशन से क्यों भाग रहे हैं? और इन्वेस्टिगेशन जब तक खत्म नहीं हो जाती तब तक एजेंसीज का इस्तेमाल करके अपने राजनीतिक विरोधियों पर केस दर्ज करवाने का क्या मतलब है? दिल्ली पुलिस ने ट्विटर इंडिया के CEO से पूछा कि ट्विटर के पास ऐसी क्या जानकारी है जिसके आधार पर उन्होंने कुछ सोशल मीडिया यूजर्स को, जिन्होंने कांग्रेस के टूलकिट को पोस्ट किया था, उन्हें मैनिपुलेटेड मीडिया टैग किया है। स्वाभाविक सी बात है कि ट्विटर के पास जो जानकारी है उन्हें उसे एजेंसी को देना चाहिए। और ट्विटर इंडिया के CEO ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ मार्केटिंग और सेल्स के लिए जिम्मेदार है और कंटेंट के लिए नहीं। टूलकिट आया क्यों? वो इसलिए कि देश में कोरोना से लोगों को ध्यान बताने के लिए ये टूलकिट ईजाद किया गया। टूलकिट के मामले में स्पष्ट हो गया है, ट्विटर ने कहा, जो उनके तरफ से जो बातें सामने आई है उसे धमकाने के लिए केंद्र सरकार ने उसके कार्यालय भेज दिया है। इसी से स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार जो बैठे हुए लोग किस स्तर पे जा रहे हैं। टूलकिट का जो मामला है उस बारे में आप पूरे देश में एक डिबेट चल रहा है, समझ लो पूरे विश्व में डिबेट चल रहा है। लेकिन ये सभी ट्विटर हो या सोशल मीडिया हो या टूलकिट हो, सभी का इस्तेमाल BJP ने अपने विरोधियों के खिलाफ भी पहले किया है। जब मामला उनके ऊपर उलट गया तो ये सब अब शुरू हो गया है, यहाँ रेड मारो, यहाँ पकड़ो, उनको दबाओ, उनको दबो। ये तो ठीक है, लेकिन उसके ऊपर डिबेट चल रहा है और हम भी मजा देख रहे हैं।